गवर्नमेंट सब ने मिलकर ना इतफाक किया और वो हमने अचीव किया। और इसमें टोटल क्रेडिट जाता है SIFC को। और SIFC सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के अफसरान का नाम नहीं है, ये बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर शामिल है, उनकी हुकूमत शामिल है, फेडरल गवर्नमेंट शामिल है, अपना वजरा शामिल है, काबीना शामिल है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरीके से अब अल्हम्दुलिल्लाह कई जगहों पर हम आगे पेशरफ्त कर रहे हैं। तो अब अगर UAE ने मेहरबानी करके $10 अरब का सरमायाकारी का खुद ऐलान किया, इसी तरह सऊदी अरब के जो फर्म जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने पाकिस्तान के लिए बेपनाह उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया हमेशा, और वो तैयार है। अब अगर तैयारी अब हमारी तरफ से अब होनी है, उनकी तरफ से कोई ताखीर नहीं है, यकीन कर लें, अब हमारी तरफ से तैयारी होनी है। और उसके लिए सूबाई हुकूमतों को मुझे पूरी उम्मीद है वो पूरा साथ देंगे, फेडरल गवर्नमेंट, हमारी कैबिनेट पूरी तरह और अफसरान पूरी तरह इसके ऊपर यकसुई के साथ काम करेंगे, और जो इस बारे में इस हवाले से काम करेगा वो हमारे सरों का ताज है, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हैं उनके सरबराहान हैं या वफाकी हुकूमतें हैं। और जो इस मामले में अब लेतोरान से और माजी की तरह उकताहट और मैं समझता हूं कि मैं मौजूद लफ्ज नहीं है यानी लेजीनेस दिखाएगा तो ही इज नॉट पार्ट ऑफ आर टीम। तो मैं समझता हूं कि ये वो अब रास्ता है, वाहिद रास्ता है टू बिल्ड पाकिस्तान एंड मेक पाकिस्तान लाइक व्हाट आर फोर फादर्स हैड परसीव्ड एंड थॉट अबाउट एंड ड्रीम्ड अबाउट। हज़रत क़ायद आज़म हज़रत अल्लामा इकबाल का जो ख्वाब है, उनके जो फरमुदात हैं, उसकी लाज रखने के लिए आज अमल करने का वक्त आया है।